हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं अ डॉग्स वे होम, जो एक प्यारी सी डॉग बेला की कहानी है। बेला को उसके मालिक ने कहीं दूर भेज दिया था, लेकिन वो उससे अलग नहीं रह पाती और अकेले ही 600 किलोमीटर की मुश्किल जर्नी पर निकल पड़ती है। तो चलिए देखते हैं उसकी स्ट्रगल से भरी स्टोरी को। तो मूवी शुरू होती है डेनवर सिटी से, जहाँ एक पुराने घर में एक पिटबुल फैमिली रहती है और इन्हीं की एक छोटी सी पपी है बेला। बेला के घर में एक कैट फैमिली भी रहती है, लेकिन आपस में लड़ने की बजाय इन दोनों फैमिलीज में बहुत प्यार है और ये यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। फिर एक दिन वहाँ दो एनिमल कंट्रोल ऑफिसर आते हैं और बेला की पूरी फैमिली को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इससे बेला बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उस कैट फैमिली ने उसे अपना लिया है और अब वो उन्हीं के साथ रहने लगती है। आगे हम लूकस और ओलिविया नाम के दो एनिमल लवर्स को देखते हैं, जो आसपास के स्ट्रे एनिमल्स की केयर करते हैं और वो लोग यहाँ कैट्स को कुछ खाना देने आए हैं। यही उनकी मुलाकात बेला से होती है और लूकस पहली ही नजर में उसे पसंद करने लगता है और कहता है कि अब से ये मेरे ही साथ रहेगी। फिर वो उसे अपने घर लेकर आता है, जहाँ उसकी मॉम भी बेला को बहुत पसंद करती है। जल्दी ही वो सब एक फैमिली बन जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे बेला भी इस नई लाइफ को एंजॉय करने लगी है। लूकस भी उसका पूरा ध्यान रखता है और फिर देखते ही देखते बेला बड़ी हो जाती है। फिर एक रात घर के दरवाजे पर लूकस को एक लेटर मिलता है, जो असल में उनके लैंडलॉर्ड से आया था। वो देखता है कि लैंडलॉर्ड घर को चेक करने आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे घर में डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए लूकस और उसकी मॉम बेला को एक मेडिकल सेंटर में लाते हैं, जहाँ लूकस एज ए नर्स काम करता है और वहाँ वो बेला को एक स्टोर रूम में छुपा देता है। लेकिन बेला उससे दूर नहीं रहना चाहती थी और जोर जोर से भौंकना शुरू कर देती है, जिससे उसकी आवाज वेंट के थ्रू बाकी लोग भी सुन लेते हैं। जल्दी ही एक स्टाफ मेंबर बेला को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे बाहर निकालने की बजाय वो उसे एक थेरेपी सेशन में ले आता है, जहाँ कुछ पेशेंट्स का इलाज चल रहा है। वो पेशेंट भी बेला को बहुत पसंद करते हैं और साथ ही ध्यान भी रखते हैं कि सीनियर डॉक्टर्स को उसके बारे में कुछ पता ना चले, और इससे जल्द ही उनके और बेला के बीच दोस्ती हो जाती है। ओलिविया और लूकस भी उसे वहाँ रोज लाने लगते हैं और ऐसे ही एक दिन उनकी नजर बेला के पुराने घर पर जाती है, जिसे कुछ लोग डेमोलिश कर रहे हैं। उसे उन कैट्स की चिंता होने लगती है और वो उन लोगों से इसे रोकने को बोलता है, लेकिन घर के ओनर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब लूकस और ओलिविया इसकी कंप्लेंट सिटी ऑफिस में करते हैं, जहाँ से ओनर का बिल्डिंग परमिट कैंसिल हो जाता है और वो लूकस से कहता है कि जल्दी ही तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। उसी रात लूकस के घर वो चक नाम का एनिमल ऑफिसर आता है, जिसे असल में उस ओनर ने ही भेजा था, और वो उसे वॉर्न करता है कि डेनवर में पिटबुल्स को रखना बिल्कुल अलाउड नहीं है और अगर वो मुझे बाहर मिल गई तो मैं उसे पकड़कर एनिमल शेल्टर में ले जाऊंगा। लूकस बेला को एक गेम सिखाता है, जिससे वो कहीं से भी अपने घर वापस आ सकती है और ये उसे सेफ रहने में भी मदद करेगा। फिर एक दिन बेला खिड़की पर एक गिलहरी को देखती है और एक डॉग होने के नाते भागकर उसका पीछा करने लगती है। लूकस किसी तरह उस तक पहुंच जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि चक भी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ है। चक बेला को पकड़कर अपने साथ ले जाता है, जहां वो उसे एक पिंजरे में डाल देते हैं और बेला लूकस से दूर होकर उदास हो जाती है। अगले दिन लूकस उसे वहां से बाहर निकाल लेता है, लेकिन सीनियर ऑफिसर उसे वॉर्न करती है कि अगली बार फाइन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये फिर से पकड़ी गई तो हमें मजबूरन उसे मार डालना होगा। लूकस ये सुनकर डर जाता है और उसे ना चाहते हुए भी बेला को खुद से दूर करना पड़ता है। वो उसे ओलिविया के एक अंकल के पास भेजने की सोचते हैं, जो डेनवर से 400 मील दूर फार्मिंगटन में रहता है, लेकिन पता चलता है कि चक उनके घर के बाहर पहरा दे रहा है। उसकी मॉम बाहर जाकर चक का ध्यान भटकाती है और लूकस भारी मन से बेला को खुद से दूर भेज देता है। बेला को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर लूकस उसे खुद से दूर क्यों कर रहा है, और इस तरह वो दोनों अलग हो जाते हैं। आगे हम उसे ओलिविया के अंकल के घर देखते हैं, जो हस्बैंड वाइफ बहुत नाइस हैं और बेला का अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन बेला इन सब से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो तो लूकस के पास वापस जाना चाहती थी। फिर एक दिन मौका देकर वो वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये जर्नी खतरनाक होने के साथ साथ लंबी भी होने वाली है। इधर दूसरी तरफ हम लूकस को देखते हैं, जो खुद भी बेला को वापस लेने जा रहा है, लेकिन बेला तो वहाँ से काफी दूर आ चुकी है। बेला कभी इस तरह अकेले नहीं रही थी और उसे कोई आइडिया नहीं था कि जंगल में अकेले सरवाइव कैसे किया जाता है। भूख और थकान से उसका बुरा हाल था और तभी वहाँ उसे एक रैबिट नजर आता है। पेट भरने के लिए वो उसका शिकार करने की सोचती है, लेकिन एक्सपीरियंस न होने के कारण रैबिट उसे चकमा देकर भाग जाता है।
इसी तरह चलते हुए वो एक नए टाउन में आती है जहाँ उसे डॉग्स का एक पैक दिखाई देता है। जल्दी ही बेला और उनमें दोस्ती हो जाती है और वो नोटिस करती है कि इन्हें अपना खाना इंसानों से ही मिलता है जो शिकार करने के मुकाबले काफी आसान है। रात को सभी डॉग्स अपने घर चले जाते हैं जिसे देखकर बेला को भी अपने घर की याद आती है और वो एक बार फिर अपनी जर्नी पर निकल पड़ती है। फिर एक दिन बेला को जंगल में गोली चलने की आवाज़ आती है और वो देखती है कि शिकारियों ने एक माउंटेन लायन को मार डाला है। पास ही में उसे कब नजर आता है जो अपनी मॉम के जाने के बाद बिल्कुल अकेला पड़ गया था और ये देखकर बेला को अपने बचपन की याद आती है। बेला उस कब को अडॉप्ट कर लेती है और एक मॉम बनकर उसका अच्छे से ध्यान रखने लगती है। इसी तरह साथ साथ वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं जहां बेला अब समझ गई थी कि खाने का इंतजाम कैसे किया जाता है। जल्दी ही वो कब बड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि बेला उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। एक दिन कुछ जंगली कुत्ते उनका शिकार करने आते हैं लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें नुकसान पहुंचा पाए यहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं जो उन कुत्तों को डराकर वहाँ से भगा देते हैं। वो लोग बेला का टैग चेक करते हैं ताकि उसके मालिक को इन्फॉर्म कर सके लेकिन वो बेबी लैंड गलती से डराकर उन्हें भगा देता है। वो दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं जहाँ जंगल में अचानक स्नोफॉल होने लगता है और वो दोनों वहाँ ढेर सारी मस्ती करते हैं। तभी बेला को एक दूसरा डॉग दिखाई देता है जो जंगल में अपने मास्टर के साथ आया है और वो उसे देखकर भौंकने लगती है। उनके भौंकने की आवाज़ से वहाँ एवलांच आ जाता है और वो आदमी उसमें दब जाता है। बेला उस दूसरे डॉग के साथ मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है और तभी उनकी मदद करने 2 और लड़के वहाँ आ जाते हैं। वो लड़के बेला और उस डॉग को अडॉप्ट कर लेते हैं जहाँ उनकी लाइफ आराम से गुजरने लगती है लेकिन बेला तो अभी भी अपने घर वापस जाना चाहती थी। फिर वो लड़के उस दूसरे डॉग को उसके पुराने मालिक के पास लेकर जाते हैं लेकिन पता चलता है कि वो तो बहुत ही मीन आदमी है जिसे अपने डॉग की बिल्कुल परवाह नहीं है और ये देखकर वो लड़के उस डॉग और बेला को खुद ही पालने की सोचते हैं। बेला अपने फ्रेंड के लिए बहुत खुश होती है लेकिन उसे तो अपने मालिक के पास वापस जाना था और इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। जब बेला अगले टाउन में आती है तो वहाँ एक ओल्ड मैन उसे अडॉप्ट कर लेता है। वैसे तो इस आदमी के पास कोई ठिकाना नहीं था लेकिन फिर भी वो बेला का अच्छे से ध्यान रखता था। उसे डर था कि कहीं बेला उसे छोड़कर भाग ना जाए और वो बेला को एक चेन के थ्रू खुद से बांध लेता है। फिर जल्दी ही ठंड के कारण वो आदमी मारा जाता है और हम देखते हैं कि बेला भी उसके साथ वहीं फंस गई है। भूख और प्यास से वो परेशान होने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे वो भी ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था क्योंकि 2 बच्चे वहाँ आकर उसे फ्री कर देते हैं और बेला अपनी जर्नी पर निकल पड़ती है। यहाँ एक बार फिर उसका सामना उन जंगली कुत्तों से होता है जो चारों ओर से उसे घेर लेते हैं और बेला भी खुद को बचाने के लिए उनका मुकाबला करने लगती है। तभी वो सब एक माउंटेन लायन को देखते हैं जो उन जंगली कुत्तों को मारकर भगा देता है और बेला देखती है कि ये तो उसका बेबी कब है जो अब बहुत बड़ा हो चुका है। वो उसे भी अपने और लूकस के साथ रखना चाहती है लेकिन लायन को पता है कि वो वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा। दोनों के लिए ये एक बहुत मुश्किल घड़ी थी लेकिन फाइनली उन्हें एक दूसरे को अलविदा बोलना पड़ता है और बेला वहाँ से निकलकर एक हाईवे पर आ जाती है। बेला की वजह से यहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो किसी तरह उससे बच जाती है और भागकर उस रोड को क्रॉस करने की सोचती है। तभी उसकी टक्कर एक दूसरी कार से होती है और हम देखते हैं कि इससे बेला के पैर में काफी चोट आई है। फिर भी वो हार बिल्कुल नहीं मानती और लंगड़ाते हुए ही आगे बढ़ने लगती है। जल्दी ही उसे सब कुछ जाना पहचाना लगता है और लगभग 2 साल ट्रैवल करने के बाद वो फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। अंदर आकर वो देखती है कि यहाँ तो सब कुछ बदल गया है और अब इस घर में कोई दूसरे लोग रहने लगे हैं। बेला को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर लूकस और उसकी फैमिली कहाँ चली गई और वो उदास होकर वहीं बैठ जाती है। उस लेडी को लगता है कि ये शायद कोई स्ट्रे डॉग है और वो तुरंत इसकी खबर एनिमल कंट्रोल को देती है। चक वहाँ उसे चेक करने आता है और बेला को देखते ही उसे पहचान जाता है। बेला भी समझ गई थी कि ये आदमी उसके लिए खतरा बन सकता है और वो एक विंडो के थ्रू वहाँ से भाग निकलती है। वो जानती है कि इसके अलावा लूकस का एक और ठिकाना भी है और वो है उसका मेडिकल सेंटर और वो लंगड़ाते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है। वो नोटिस करती है कि अब वहाँ उसके जैसे और भी डॉग हैं जो पेशेंट्स को उनकी थेरेपी में हेल्प करते हैं और तभी उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्तों से होती है। वो सब भी बेला को पहचान जाते हैं और तभी उसे सामने लूकस नजर आता है। लूकस भी बेला को देखकर बहुत खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं।
लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि चक अपनी टीम के साथ वहीं आ गया है और इस बार उसके साथ पुलिस भी है। लुकस जानता है कि वो लोग बेला को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए वो उसे उनके साथ भेजने से मना कर देता है और उसके बाकी फ्रेंड भी उससे एग्री करते हैं। वो पुलिस कैप्टन को समझाते हैं कि बेला एकदम शांत डॉग है और उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन कैप्टन कहता है कि डेनवर में पिटबुल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है और हम किसी के लिए भी इन रूल्स को नहीं तोड़ सकते। तभी लुकस को याद आता है कि ये क्लिनिक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है और डेनवर सिटी के रूल्स यहाँ अप्लाई नहीं हो सकते। इस पर चक कहता है कि यहाँ तो तुमने इसे बचा लिया है लेकिन सिटी में आते ही मैं इसे फिर से पकड़ लूंगा और ये बात कैप्टन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो चक से कहता है कि तुम्हें लेकर मेरे पास और भी कंप्लेंट्स आई हैं कि तुम बेवजह लोगों को बहुत तंग करते हो और इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से रिलीव करता हूँ। लुकस बेला को लेकर अपने नए घर आता है जो डेनवर के ही एक दूसरे हिस्से में है और यहाँ पिटबुल्स को रखने पर कोई मनाही नहीं है और इस तरह बेला को फाइनली अपनी फैमिली वापस मिल जाती है। एंड सीन में हम उस माउंटेन लायन को देखते हैं और पता चलता है कि वो असल में एक फीमेल लायन थी जो खुद भी अब मॉम बन चुकी है। वो दूर से अपने बेबी को डेनवर सिटी दिखाती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।